मेरे तो दिल और दिमाग के दरवाजे बंद थे, लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए मुझ पे। लेकिन एक बात का हमेशा दुख रहेगा दुआ, तुमने अपने दरवाजे बंद करने में बहुत जल्दी कर दी मुझ पे। दुआ, तुम अभी तक जाग रहे हो दाई? तुम भी तो जाग रही हो और बेचैन भी हो। क्या भाई, क्या छुपा रही हो? दाई, आज मुझसे जवाब मिला था मस्जिद में, इमाम साहब की मस्जिद। वो वजू कर रहा था, फिर नमाज पढ़ने अंदर चला गया। रो रहा था वो। Can you imagine? कैसे हो सकता है यार? I don't believe it. क्या बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो तुम क्यों इतना डिस्टर्ब हो रही हो? क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दुआ, फैसले कायम रखने के लिए किए जाते हैं, और तुम जो फैसला कर चुकी हो ना, उसने तुम्हें एक नया रास्ता दिखा दिया है। तुम उस पर चल चुकी हो, अब ना तो तुम्हें पलटना है और ना ही मुड़कर देखना है। तो मुझसे आप बहुत दूर चला गया, सही, बहुत पीछे रह गया है वो। अब वो क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या सोचता है, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। सो प्लीज यार, बी ब्रेव एंड बी रैशनल, और खुदा के वास्ते ये फजूल के वसवसों का शिकार मत हो जाना, प्लीज दुआ। I'm okay.